नमस्कार, मैं हूं एसएस पांडे। सबक्रियर में आप सभी का स्वागत है। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की ओर। डलसा के पश्चिमी जिला के सचिव और माननीय जज विनोद कुमार मीना जी से मीडिया ने सवाल किया कि क्या बुजुर्गों के लिए डलसा का जो योजना है, जो स्कीम है, क्या उसमें बुजुर्गों के लिए भी कुछ आपने रखा है। मेरे आपका सवाल जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए पूछा गया है, उसके लिए मैं बता दूं कि हमने जो हमारे डीएम ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस है, वहाँ पे लीगल एड क्लिनिक खोली है कि सीनियर सिटीजन को अब तीन शहरी कोर्ट में आने की जरूरत नहीं। अगर उन्हें परेशानी है वो सीधे ये समझते हैं कि जो हमारे अंडर प्रिविलेज सेक्शन है, वल्नरेबल सेक्शन है, वो अदालतों तक नहीं पहुँच पाते। हमें लगता है कि हम किस वकील से मिलें, वकील साहब कितनी फीस लेंगे, वो वकील साहब उचित होंगे कि नहीं होंगे, इन सब क्वेश्चंस के चलते हम ये मान लेते हैं कि जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है वो मेरी किस्मत में लिखा था, और घर बैठ जाते हैं। इससे जो नेगेटिविटी समाज में फैलती है उससे सारा सामाजिक परिप्रेक्ष्य जो है वो परिप्रेक्ष्य सारा खराब हो जाता है। इस समस्या को देखते हुए हमने महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बहुत काम किया। हमें लगा कि हमें अपने लेबर क्लास के लिए भी, जो एक बहुत 25-30% पॉपुलेशन हमारे समाज की है, उसके लिए भी कार्य करना चाहिए। उसको भी हमें एक सहयोग देना चाहिए, उसे हम सक्षम बनाना चाहिए कि अगर किसी भी टाइप की उसे उनकी कानूनी समस्या है तो वो किससे जाकर मिले। तो हमें लगा न्याय आपके द्वार, हर एक वर्कर है, उसे मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिस कोई एक डिस्ट्रिक्ट में काम करता है तो वो एक डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिस में काम आता है, संगठित वर्क क्षेत्र का हो या असंगठित क्षेत्र का हो, तो उसे पता है कि डिस्ट्रिक्ट लेबर। सबकी नज़र सशक्त आवाज़ और सिद्धांत संग्राम की टीम आज लीगल लड़ाई जो 71 सालों से जन सरोकार को लेकर जीरो ग्राउंड पर पहुंचा या नहीं पहुंचा, उस मुहिम को दिल्ली स्तर पर और वो भी सरकारी स्तर पर एक छोटा सा प्रयास हुआ है DLSA के द्वारा। तो डलसा क्या काम कर रही है और आज डिप्टी लेबर कमिश्नर पूसा रोड पर दिल्ली लीगल सर्विस सेंटर का उद्घाटन हुआ, आइए चलिए जानते हैं। मेंबर सेक्रेटरी डलसा संजीव जैन जी। संजीव जैन जी, अगर कानून क्रांति की बात करें, कानून के हक और अधिकार की बात करें, तो क्या आज़ादी के 71 साल बाद भी मजदूर वहीं के वहीं? संजीव जैन जी, देखिए ये बात मैं ना पूरी तरह से सहमत हूँ ना असहमत, वहीं की वहीं नहीं कह सकते। 71 साल में काफ़ी कुछ काम हुआ, काफ़ी कुछ स्थिति सुधरी भी और काफ़ी सारी चुनौतियाँ बाकी हुई। तो इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक DLSA का सवाल है तो हमारा काम है कानूनी सलाह देना, कानूनी सहायता देना। उसके लिए हमारा जो है लेबर कोर्ट में स्पेशलाइज पैनल है द्वारका कोर्ट में, और हमारे लेबर के एडवोकेट्स हैं। ये जो प्रयास है कि हम लेबर कमिश्नर्स के ऑफिस में जो लीगल एड क्लिनिक बनाए, हम चाहते हैं कि यहाँ इनिशियल लेवल पे, कॉन्सिलिएशन के लेवल पे भी जो कानूनी सलाह का या सहायता का फ़ायदा जो है वो सारे मजदूर भाई बहन उठा सकें, ट्रेड यूनियंस भी जो है उससे मदद ले सकें और सलाह ले सकें। तो कानूनी सहायता की वजह से किसी के कानूनी अधिकारों के प्रति कोई असर ना पड़े, यही DLSA का प्रयास है और यही DLSA का। देखिए, हमने कोई जादू तो किया नहीं, प्रयास किया है कि कर्मचारियों के हक जो संविधान में सुरक्षित हैं या श्रम कानूनों में सुरक्षित हैं उनको उन तक पहुंचाएं और समयबद्ध सीमा में उनको मिलने चाहिए। इस दिशा में जो कानून प्रक्रिया है उसको हमने छोटा करने के प्रयास किया है, वो पहला एक्सपेरिमेंट था, पहला प्रयोग था पूरे देश भर में, और वो बड़ा बखूबी से पूरा किया गया है और बड़े अच्छे परिणाम आए हैं। उससे प्रोत्साहन देखते हुए हमने और आग्रह किया है दिल्ली उच्च न्यायालय से कि ऐसी दो और कोर्टों को स्थापित किया जाए दिल्ली में ही।
ताकि और जल्दी से निकास हो। तीसरी चीज़ भी आई है कि हम पूरी फाइल नहीं भेजा करते थे, तो पूरी फाइल द्वार तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। जो हमारा असहाय वर्ग है, जो हमारा पीड़ित वर्ग है, जिनको लगता है कोर्ट तक पहुँचना मुश्किल है, वो उनको ये कॉन्फिडेंस दिलाना, उनको ये बताना कि फ्री लीगल एड, मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह हमारे यहाँ DLSA द्वारा हर ज़िले में प्रदान की जाती है। इसी को आगे रखते हुए आज हमने श्रम विभाग जो है, जो लेबर ऑफिस है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में पूसा कैंपस में, वहाँ पर आज हमने लीगल एड का हेल्प डेस्क और हमारी लेबर के लिए स्पेशली खोला है, जो मंडे और वेडनेसडे दो दिन फंक्शनल रहेगा 10 से 2 बजे तक। उसके बीच में कोई भी हमारी लेबर क्लास, उनका प्रतिनिधि, किसी भी तरीके की कोई भी उनको शिकायत है अपने काम से रिलेटेड, अपने एम्प्लॉयर से रिलेटेड, कुछ उनको कानूनी सलाह लेनी है, वो कभी भी वहाँ पर मुफ्त में आकर ले सकते हैं, असिस्टेंस ले सकते हैं। वो अकेले नहीं है, प्रशासन का उनके साथ है और DLSA हमेशा ही जो असहाय और पीड़ित वर्ग है।